नमस्कार मित्र, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, दिनांक 7 जनवरी 2022 से जिंदगी में होने वाला है बहुत बड़ा परिवर्तन। मित्रों, साल का पहला शनिवार है। आप भी जानने के लिए यह उत्सुक होंगे कि शनि देवता का वार कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। मित्रों, सर्वप्रथम अगर हम नजर डालें पंचांग पर तो 7 जनवरी को शनिवार का वार है, साथ में पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और मित्रों पूर्ण वृषु नक्षत्र है। और आप सभी को बता देते हैं कि इंद्र और वेद्रति योग का निर्माण हो रहा है। वहीं मित्रों, सूर्य की स्थिति अगर देखें तो सूर्य धनु राशि में विराजमान रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्रों वह मिथुन राशि के उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा। तो ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का अगले 24 घंटों में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी और कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो मित्रों, हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र लेकर आए हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने में कारगर सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी मित्रों इस छोटी सी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। गुरुदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करो और अगर अच्छा है तो किसी की मदद करो। मित्रों, जीवन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वक्त हर किसी का बदलता है, वक्त कभी एक समान नहीं होता है। तो जीवन में ध्यान रखिएगा कि अच्छे वक्त में आपको लोगों की मदद करना है और बुरे वक्त में मेहनत करना है। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रगति पूरी तरह से निश्चित है। मित्रों, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी आप हर कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है। मित्रों, कई बार आपको बताया भी है कि बेकार की फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें, लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आई थी। अब आर्थिक तंगी के चलते ही अहम काम बीच में अटकेगा जिसके लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी और समय पूरा भागदौड़ में ही व्यस्त हो जाएगा। अगर आप अपने घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। मित्रों, परिवार के लोगों की नाराजगी आप सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी इंसान का सबसे कीमती कोई रिश्ता होता है तो वह परिवार होता है। परिवार के लोगों की नाराजगी आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने काम समय रहते निपटा लें। मित्रों, आपके ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। तो आपको बता देते हैं कि अपने पार्टनर यदि आपसे नाराज हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। जो लोग घर से बाहर रहते हैं वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे, क्योंकि इंसान को जीवन में कभी कभी खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी होता है ताकि वह खुद को जान सके और सुकून की वजह पहचान सके। आप मित्रों ध्यान रखिएगा कि पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही होगी जितनी इस वक्त है। आपका दाम्पत्य जीवन इतना बेहतर चल रहा है कि चाहे कोई
इस वक्त अगर तीसरा व्यक्ति भी आकर आपके हस्तक्षेप करेगा जीवन में तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना बेहतर दाम्पत्य जीवन चल रहा है। शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी। घर से बाहर रहने वाले जातकों को अपने घर की बहुत याद सताएगी, तो यदि आपको समय मिले तो आप उनके साथ वीडियो चैट के जरिए और वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। अपने मन को हल्का करने के लिए आप घर वालों से कई देर तक समय बात कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण सुबह शाम करें। मित्रों, इस मंत्र के उच्चारण से दिमाग को शांति मिलती है, सुकून प्राप्त होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहती है। समय आपको बताया है कि बहुत भागम भाग भरा है, तो भागम भाग भरे दिन के बावजूद आप आपकी सेहत पर पूरी तरह से दुरुस्त रहेंगे, सेहत बहुत बढ़िया रहेगी। मित्रों, किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच आपकी सेहत में नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें अगर आर्थिक जीवन की, आर्थिक जीवन के मित्रों अर्ध पक्ष में खुशहाली रहेगी। इसके साथ ही आप स्वयं को कर्जों से भी मुक्त होता पाएंगे। आपने पिछले समय से जिन लोगों से अपने बुरे वक्त में पैसे उधार लिए थे, तो आपका फर्ज बनता है कि अपने अच्छे वक्त में उन पैसों को चुकाकर मित्रों आप एक अच्छे और ईमानदार इंसान बने। रिश्तेदारों और दोस्तों से मिला कोई उपहार अचानक जिंदगी में चार चांद लगा देगा। यदि आपका आज जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ आपको दीर्घ आयु प्रदान करें, स्वास्थ्य बेहतर रखें और जीवन में आप बहुत तरक्की करें। मित्रों, अपने दिल की बात जाहिर करके आप खुद को काफी हल्का और रोमांचित महसूस करेंगे अपने पार्टनर से। घर के कामों को पूरा करने के बाद गृहिणियाँ पूरे समय फुर्सत में टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देख सकती है। मित्रों, गृहिणियाँ ध्यान रखिएगा कि यदि आप फ्री हो गए हैं तो कुछ समय अपने लिए भी निकालें। ऐसे कार्य करें जिनमें आपको सुकून मिलता है, क्योंकि घर के काम करने से आप थक गई होगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। अपने घर में कभी कभी बड़े बुजुर्गों के चलते कुछ ऐसी नोकझोंक होती रहती है। मित्रों, ये नोकझोंक हर घर में, हर परिवार में होती रहती है, इसलिए इस बात का ज़्यादा तनाव आपको नहीं लेना है। अपने जीवन साथी या दोस्तों के साथ ऑनलाइन मूवी देखकर अपने लैपटॉप व इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, आज हम आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय भी प्रदान करेंगे जो बड़े ही उपयोगी है आप लोगों के लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा मित्रों, कि यदि जिन जातकों के विवाह में तेजी नहीं आ रही है, विवाह सही समय पर नहीं हो पा रहा है, तो मित्रों एक बहुत बढ़िया उपाय है। ध्यान से सुनिएगा कि आपको भगवान गौरी शंकर के मंदिर जाना है, शिव मंदिर जाना है, एक लच्छा या सफेद सूत लेना है और उस सफेद सूत को भगवान पार्वती की मूर्ति पर लपेट कर भगवान शिव की शिवलिंग तक लपेट दें और उन्हें एक दिशा में बांध दें और फिर उनसे प्रार्थना करें और अपने मन की कोई भी मुराद बोलें। मित्रों, बहुत जल्दी ऐसा करने से विवाह के योग बनते हैं। वहीं मित्रों, एक उपाय यह भी है कि यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आपको बता देते हैं मित्रों कि अपने ऊपर से एक रोटी लें और 7 बार उबारें और वह रोटी ले जाकर किसी काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से यदि आपको नज़र भी लगी होगी तो नज़र दोष भी दूर होता है और भूख लगने लगती है और नींद अच्छी आने लगती है। तो मित्रों, जीवन में कभी कभी जो हमारे सुख दुख होते हैं वह हमारी नज़रों के कारण ही होता है। किसी की नज़र कैसी होती है, किसी की नज़र कैसी होती है, इसलिए आप सप्ताह में एक बार ये उपाय बुरी नज़रों से बचने के लिए अवश्य करें।
तो अब वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और मित्रों, दैनिक राशिफल एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी